जिस जन की मंगल अभिलाषा कर्ममयी पाती हो भाषा, ऐसे अभ्यागत का वंदन है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश श्री मंगू भाई पटेल जी का भी स्वागत करें। माननीय कृषि मंत्री श्री कमल पटेल जी से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करें, स्वागत करें। हम कृषि उत्पादन आयुक्त श्री शैलेंद्र सिंह जी से निवेदन करते हैं, हमारे माननीय कृषि मंत्री जी श्री कमल पटेल का पुष्पों से स्वागत करें, गुलदस्ते से स्वागत करें। हमारे माननीय आवास विकास विभाग और मध्य प्रदेश के प्रभारी, भोपाल के प्रभारी मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी के स्वागत के लिए हम आदरणीय श्री केसी गुप्ता जी से गुजारिश करते हैं, प्रमुख सचिव कृषि, उनका स्वागत करें। और आदरणीय श्री शैलेंद्र सिंह जी, हमारे माननीय उत्पादन आयुक्त का स्वागत करने के लिए हम प्रबंध संचालक कृषि मंडी बोर्ड श्री विकास नरवाल से गुजारिश करते हैं, वे उनका गुलदस्ते से स्वागत करें। आदरणीय दिव्य सज्जनों, किसी ने कहा है कि रंगमंच पर पड़े पर्दे की तरह कौन जानता है कि रात के काले पर्दे के पीछे कल कौन सा दृश्य खुलने वाला है। लेकिन इससे पहले कि पर्दा खींचने वाले लड़के की तरह सूरज सारे राज खोल कर रख दे, हम सब अपनी अपनी कल्पनाओं के ऊंची सोच या सपने बुने, शायद कुछ सपना सच हो जाए। ऐसे ही कुछ सपनों के साथ मध्य प्रदेश ने अपनी समृद्धि और खुशहाली का भी सपना देखा, लेकिन सबके साथ विकास का स्वप्न देखा माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की अपनी मंशा के तहत। और कृषि का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। उन्नत कृषि, पारंपरिक कृषि और हमारी इस पुरानी कृषि की पद्धति को दृष्टिगत रखते हुए जिस तरह से हम नया स्वप्न देख रहे हैं, ऐसे ही समृद्धि के साथ मध्य प्रदेश भी अपने विकास के नए आयामों की ओर बढ़ रहा है। माननीय कृषि मंत्री श्री कमल पटेल जी इसमें अपना एक प्रभावी नेतृत्व हम सबके साथ साझा कर रहे हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ उनसे गुजारिश करता हूं, वे आए, आप सबसे मुखातिब हों, आप सबका स्वागत करें और इस राज्य स्तरीय कार्यशाला के बहाने आप सबको संबोधित करें। श्री कमल पटेल, माँ सरस्वती के, माँ नर्मदा के, माँ अन्नपूर्णा के चरणों में प्रणाम करते हुए हम सबके मार्गदर्शक प्रेरणा स्रोत कुशाभाऊ ठाकरे जी के नाम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह सभागार इस प्रदेश की जनता को, देश की जनता को समर्पित किया है। मैं ठाकरे जी के चरणों में प्रणाम करता हूं और आप सब किसान भाइयों से और पूरे प्रदेश के 9.5 लाख से भी अधिक किसान इस कार्यशाला से जुड़े हैं प्रदेश स्तरीय, सबसे आह्वान करता हूं कि भारत माता का दोनों मुट्ठी बांधकर जयकारा लगाएंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की। नर्मदा जी हमारी जीवनदायिनी है, प्रातः स्मरणीय है। मैं कहूंगा नर्मदे हर, दोनों मुट्ठी बांध के आप लोग कहेंगे जिंदगी भर, ताकि मां नर्मदा का जीवन भर हमें आशीर्वाद मिलता रहे और हम स्वस्थ जीवन जी सके। नर्मदे हर, भारत माता की, धरती पुत्र किसान की और आज के आनंद की। आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए, विशेष करके किसानों के लिए और किसानी से जो अनाज उत्पादन होता है, खाद्यान्न उत्पादन होता है, सब्जियां उत्पादन होती है, दूध उत्पादन होता है और जो उसका उपभोग करते हैं, उन सब के लिए गौरवशाली और ऐतिहासिक दिन है कि आज मध्य प्रदेश की धरती पर ऐसे महान व्यक्तित्व का पदार्पण हुआ है जिन्होंने अपने कर्तृत्व से, व्यवहार से शून्य बजट प्राकृतिक खेती खुद ने करके दिखाई है सफलतापूर्वक, और उसके बाद भारत के अन्य अन्य प्रांतों में किसानों को जोड़कर उनको भी सिखाया और आज हिमाचल प्रदेश में 1 लाख से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती, शून्य बजट खेती से जोड़ा है।
गुजरात के महामहिम राज्यपाल है, गुजरात में जोड़ा, और आज मध्य प्रदेश को भी खुशहाल करने आए हैं। कम लागत में अधिक उत्पादन, बल्कि जीरो बजट पर अधिक उत्पादन करके इस देश को, दुनिया को शुद्ध अनाज उपलब्ध कराना यह सबसे बड़ा पवित्र कार्य है। ऐसे पवित्र कार्य करने वाले आज हमारे बीच में महामहिम राज्यपाल महोदय गुजरात, परम आदरणीय आचार्य श्री देवव्रत जी, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि जोरदार ताली बजाकर आप उनका अभिनंदन करें। हमारा सौभाग्य है कि हमें एक समाज सेवी, एक राजनीतिक देशभक्त राज्यपाल महोदय मिले हैं, श्री मंगू भाई पटेल जी, वो भी आज हमारे कार्यक्रम में हमको आशीर्वाद देने पधारे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि उनका भी जोरदार ताली बजाकर हम अभिनंदन करें। और हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे मुख्यमंत्री मिले जो गांव गरीब किसानों के मसीहा है, बहनों के भैया है, बच्चों के मामा है, युवाओं के हृदय सम्राट है और गरीब माता पिता के सर्वन बेटा है, जो वापस हमारी तीर्थ दर्शन प्रारंभ हो रही है। और किसानों के लिए मैं कहता हूं हमेशा, सगे भाई से भी ज्यादा अगर कोई देश में, दुनिया में कोई मुख्यमंत्री है तो हमारे लाडले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। भोपाल जिले के प्रभारी मंत्री, मेरे अभिन्न मित्र, मेरे साथी, नगरी प्रशासन मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, और दिल्ली से वर्चुअल जुड़े, आज उनको आना था लेकिन कैबिनेट की बैठक होने के कारण नहीं आ पाए, हम सबके बड़े भाई, हमारे मार्गदर्शक और केंद्रीय यशस्वी कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, वो दिल्ली से वर्चुअल हमसे जुड़े हुए हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। भाई साहब, मैं आपको प्रणाम करता हूं, पूरे प्रदेश के किसानों की ओर से आपका अभिनंदन। हमारे कृषि उत्पादन आयुक्त श्री शैलेन्द्र सिंह जी, मेरे प्रमुख सचिव केसी गुप्ता जी, मेरे मंडी के एमडी विकास नरवाल सहित सभी हमारे अधिकारी कर्मचारी बंधुओं, और प्रदेश भर से चुने हुए किसान भाइयों, जो प्राकृतिक खेती करके आपने भी दिखाई है, माननीय राज्यपाल महोदय जी के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है किसान की आय 2022 तक दोगुना करना, उसमें आप सब लोग लगे। हम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के मार्गदर्शन में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को आत्मनिर्भर बनाएगा तो किसान बनाएगा, क्योंकि यह देश कृषि प्रधान देश है, मध्य प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। मैं मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से महामहिम राज्यपाल महोदय आचार्य देवव्रत जी, आदरणीय मंगू भाई पटेल जी, मुख्यमंत्री जी, सभी का अभिनंदन करता हूं। और मैं माननीय राज्यपाल महोदय जी को बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में इन 15-17 वर्षों में मध्य प्रदेश में जहां 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई थी, आज 43 लाख हेक्टेयर से अधिक होकर 7 साल से लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार मध्य प्रदेश प्राप्त कर रहा है। कृषि विकास दर में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 स्थान पर है, और अब प्राकृतिक खेती में भी, जैविक खेती में 17,31,000 हेक्टेयर में मध्य प्रदेश में हो रही है। 1,52,000 हमारी कृषि योग्य भूमि है, उसमें से 17,31,000 में जैविक और प्राकृतिक खेती हो रही है। आज आप हमें जो मार्गदर्शन देंगे उससे प्रेरणा लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में मां नर्मदा किनारे दोनों साइड 5-5 किलोमीटर पूरी तरह से प्राकृतिक खेती, शून्य बजट खेती प्रारंभ करेंगे, और बाकी प्रदेश में भी गांव-गांव में आपके मार्गदर्शन में किसानों को प्रशिक्षण देकर और किसानों को जीरो बजट, शून्य बजट खेती, प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर करेंगे, और देश का बड़ा राज्य मध्य प्रदेश इसको पूरी तरह से प्राकृतिक राज्य बनाकर लोगों को स्वस्थ जीवन देने के लिए, और स्वस्थ मिट्टी होगी, स्वस्थ अनाज होगा तो हमारा जीवन भी स्वस्थ होगा। और नहीं तो 1965 के पहले हमारे यहाँ तो प्राकृतिक खेती होती थी, हमारे बुजुर्ग करते थे, लेकिन हरित क्रांति के उसमें पंजाब ने अंधाधुंध पेस्टिसाइड का उपयोग किया और उसके कारण बीमारियां भी हो रही, मिट्टी भी अनुपजाऊ हो रही है, और भटिंडा से कैंसर ट्रेन चलती है। और इसको रोकने के लिए, लोगों को स्वस्थ रखने के लिए, हिंदुस्तान को स्वस्थ, पर्यावरण को स्वस्थ, मिट्टी को स्वस्थ रखने के लिए आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय आचार्य देवव्रत जी ने खुद ने व्यावहारिक रूप से उस खेती का प्रारंभ किया,
और आज पूरे देश को वो मार्गदर्शन दे रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में आए, मैं एक बार पुनः मध्य प्रदेश की धरती पर उनका स्वागत करता हूं और उनके बताए मार्ग पर चलकर हम मध्य प्रदेश को प्राकृतिक प्रदेश बनाने में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से सफल होंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः मंचान सिंह सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं और जोरदार ताली बजाकर आप सब इनका अभिनंदन करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कृषि मंत्री श्री कमल पटेल जी। और हम सबका ये सौभाग्य है और सुखद संयोग है कि आज भारत सरकार के माननीय कैबिनेट मंत्री किसान कल्याण तथा कृषि विभाग माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी सीधे हम इस समारोह से उनको जोड़ पा रहे हैं और भी हमारे साथ हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं इस अवसर पर अपना उद्बोधन हम सबसे साझा करने की कृपा करें। माननीय श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर। सभी को नमस्कार। आज के इस शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम को मार्गदर्शन देने के लिए और करीबा प्रदान करने के लिए हम सबके मध्य उपस्थित गुजरात के महामहिम राज्यपाल माननीय आचार्य देवव्रत जी, हमारे मध्य प्रदेश के योग्य अनुभवी और सक्रिय